कल हमने क्या देखा था और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो। तो कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करता है, जिनका कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है या ऐसा कोई उनका मकसद है, वो मकसद को पूरा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। उस मकसद को फॉलो करते हैं वो, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और उनको शायद से इसी में खुशी मिलती है कि उनका जो भी मकसद है या उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है इस ट्रस्ट के साथ या फिर ऐसे फाउंडेशन के साथ जो वो बनाते हैं। जैसे मैंने कल आपको काफी सारे फाउंडेशन के बारे में बताया, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव और मकसद के साथ चल रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा SOS चिल्ड्रन विलेजेस, फिर बाद में नन ही कर ली, और आजकल डोनेशन मांगने का तरीका भी अलग हो गया है। आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हो उनको, अगर आपको लगता है ये मकसद आपको दिल को छू रहा है और ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं एक नई मिसाल तय कर सकता है, ठीक है? ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो डोनेशन होते हैं, जहाँ पे डोनेशन मिलते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, ह्यूमैनिटेरियन क्यों ना हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलता है, दूसरों को बेनिफिट देते हैं, ओके, बूस्ट मिलता है, एक अलग से कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, कभी कभी एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हैं पूरे सोसाइटी में। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको इतने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स किसी न किसी NPO या NGO के साथ जुड़े सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर सेट अप फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। Yes, ऐसे बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए। लेकिन ऐसे भी संस्था है, हाउएवर देयर आर सर्टेन कंसर्न्स व्हिच डज नॉट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव। कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, शाही साहू संस्थान बोलो, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आपका स्कूल हो, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक ट्रस्ट, कॉलेज ने भी अपने आप को एक ट्रस्ट स्थापित किया हुआ है, तो उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। सिमिलरली अहमदनगर क्लब भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बना हुआ है, वो तो इस मोटिव के लिए बना हुआ है ताकि आपको वो अच्छे से सर्विसेज दे, फैसिलिटीज दे, ओके? तो लोग, क्लब्स हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, ट्रस्ट हो, मंदिर हो, ये सारे प्रॉफिट मोटिव के लिए बने हुए नहीं है, ठीक है? दे आर फॉर्म्ड फॉर रेंडरिंग सम यूजफुल सर्विसेज, दे आर फॉर्म फॉर रेंडरिंग सम यूजफुल सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। नगर क्लब वाले सब मेंबर्स को देते हैं, ठीक है? तो मेंबर्स को या फिर सोसाइटी को एट द लार्ज, टू द मेंबर्स और टू द सोसाइटी एट लार्ज। तो जैसे कि साई संस्थान है तो वो सिर्फ मेंबर्स को नहीं फ्री में बांटता है या कम में बांटता है, ठीक है? वो तो पूरे सोसाइटी को एट लार्ज में बांटता है। लड्डू हो या फिर चाय हो, सब्सिडाइज चाय हो, या फिर खाना हो जो बहुत सब्सिडाइज रेट पे मिलता है आपको वहां पे, तो आप जाते हो उसका यूज कर सकते हो, तो सारे सारे सोसाइटी के लिए एट लार्ज रहता है, ठीक है? मंदिर हो, हमने मंदिर बनाया ताकि रिलीजियस वे से, मेरा पर्पस क्या है, रिलीजियस, तो लोग आते हैं वहां पे ना, दर्शन करते हैं या फिर सत्संग भी अटेंड करते हैं, जो भी सत्संग हो, आरती हो, सब अटेंड करते हैं। वहां पे हम किसी को रोकते नहीं है, वहां पे सबको बोलते हैं आओ, आप ये जो मैंने फैसिलिटी करके रखी है आप यूज करो इसको, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल स्नेहालय है, स्नेहालय जो है वो हमारे अहमदनगर में, वहां पे अनाथ आश्रम बनाया हुआ है। अनाथ आश्रम में तो जो भी बेचारे अनाथ लोग हैं वो वहां पे उनको रहने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है, एंड फिर लोग उनके नाम से फिर डोनेट करते हैं ताकि उनका अच्छे से संरक्षण हो, अच्छे से उनको ना खाने पीने का सब कुछ सुविधा हो, ठीक है?
such concerns are called as not-for-profit organization. ऐसे concerns को बोला जाता है not-for-profit organization, जिसका profit हेतु नहीं है, जिसका profit हेतु नहीं है. Example, sports club, charitable hospital, school, colleges, universities, trade unions, chamber of commerce, professional institutes like ICAI. हाँ बच्चा लोग, ICAI जो CA का इंस्टीट्यूट है, ICSI जो CS का इंस्टीट्यूट है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित हुआ है. ठीक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेंपल, मस्जिद चर्चेस भी सारे के सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही गिने जाते हैं. ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. Such concerns are not engaged in trading activity as their main activity. इनकी main activity नहीं होती है trading. इनकी secondary activity हो सकती है, but main activity नहीं है. साई संस्थान में मंदिर, ये main activity है. लेकिन अगर आप बाजू में देखोगे चाय वगैरह, वो खरीद के बेच रहे हैं भली, चलो बना के बेच रहे हैं, या फिर क्रीम रोल बना के बेच रहे हैं, उन्होंने ट्रेडिंग किया हुआ है. ठीक है, तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मेन एक्टिविटी नहीं है, वो तो सेकेंडरी एक्टिविटी है. श्रद्धालु लोग जो आते हैं वहां पे, काफी देर लाइन में रुकते हैं, तो फिर उनको शायद से पानी की जरूरत होती है, चाय की जरूरत होती है, खाने पीने की जरूरत होती है, इसीलिए वो सेकेंडरी एक्टिविटी है. मेन एक्टिविटी तो यही है कि आओ साई संस्थान में जो श्रद्धालु लोग आते हैं, साई का दर्शन ले सके, साई बाबा का दर्शन ले सके, तो वो मेन एक्टिविटी होती है उनकी. ठीक है, और वो इसलिए उन्होंने फिर बहुत सारे चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा है आपके आपके दर्शन के लिए. ओके, मीनिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न्स आर दोस कंसर्न्स व्हिच डज नॉट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव. एनी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, क्लब और कंसर्न व्हिच ऑपरेट्स इट्स एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स और अदर्स एंड डू नॉट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ठीक है, these concern concentrate their efforts by providing the best possible services at the moderate rate or even without any charges. aapko ye likhna hai, please ye wala paragraph ya meaning likhna hai. chalo start writing everyone. ye paragraph likho. any organization, association, club or concern which operates its activities for the benefit of its members or others and do not have profit motive is called not for profit concern. kal se main tumhara timing fix kar raha hu 8:30 to 9:30 fix. 8:30 to 9:30 is the timing fix. I know colleges के तुम्हारे जो भी time है वो 9:30 के बाद ही है. तो accounts का class मैं fix कर रहा हूँ 8:30 to 9:30. Maths will continue at your 10-11 a.m. only. I hope nobody has any problem in that. is finalized. दुकान जरूरी है तो प्लीज जाओ, दुकान जाओ, क्लास मत अटेंड करो, भूल जाओ 12वीं को. फाइनल डिसीजन टेकन. लिख के लो. एनी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, क्लब और कंसर्न विच ऑपरेट्स इट्स एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स और अदर्स एंड डू नॉट हैव any profit motive is called not for profit concern. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. not for profit concern collect income through subscription, donation, government grants, subsidy, concession, entry fees, admission fees. आप देखते रहोगे कि काफी सारे not for profit concern हैं. वो आपसे क्या क्या लेते हैं. अलग अलग चीजें लेते हैं आपसे. ठीक है, यस, एक बार लास्ट स्क्रीन वापस दिखाऊं. लिखा नहीं क्या आपने? लिख लो यार, जल्दी लिख के लो. आई एम वेटिंग.
ओके, अभी एनपीओ देखा जाए तो उनके उनके उनका जो इनकम कमाने का तरीका है वो अलग रहता है, उनका कमाने का तरीका अलग रहता है। जैसे कि कमाने का, सर कमाने का मतलब क्या, अरे पैसे चाहिए तो सही है ना, हाथ में, हाथ में पैसे चाहिए तभी जाके वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। तो जैसे कि मैंने एक मंदिर बनाया, तो मुझे मंदिर बनाया है या फिर बनाना है मुझे मंदिर, तो मैं डोनेशन लूंगा, लोगों से पैसे लूंगा, बोला दो डोनेशन, डोनेट करो, लेकिन आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, डोनेट करो आप इसको, तो वो उसकी इनकम हो सकती है। मैंने एक क्लब बनाया, मैंने क्लब में उनको बोला तुम मेंबरशिप फीस भरो, साल भर की भर सकते हो या नहीं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए भी भर सकते हो, या फिर आपको मेंबर बनना है तो आपको एंट्रेंस फीस भी भरना पड़ेगा। कभी कभी मैं ऐसा भी संस्था बना सकता हूँ या ऐसा कोई क्लब बना सकता हूँ जहां पे मैं उनको बोलता हूँ लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मत भरो, एनुअली भी मत भरो, मंथली सब्सक्रिप्शन भरो आप, मंथली सब्सक्रिप्शन क्या करो, मंथली सब्सक्रिप्शन, अगर आपको मेरे क्लब में आने का है तो आपको हर महीने का 1,000 रुपए देना पड़ेगा, हर महीने का 2,000 रुपए देना पड़ेगा, मंथली सब्सक्रिप्शन, ठीक है। डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, मेरे पास अनुदान मिलता है, अनुदान, ग्रांट मतलब अनुदान, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, तो इसीलिए आपको काफी बार बोलते हैं स्कूल इज अ गवर्नमेंट, स्कूल इज अ, क्या तुम्हारा ग्रांटेबल स्कूल है कि नॉन ग्रांटेबल स्कूल है, या आपका कॉलेज ग्रांटेबल है कि नॉन ग्रांटेबल है, काफी बार सुनने में आता है आपको ग्रांटेबल नॉन ग्रांटेबल, या फिर आपका एनजीओ जो है या आपका जो संस्था है वो ग्रांटेबल है क्या नॉन ग्रांटेबल है। ग्रांटेबल मतलब गवर्नमेंट से कुछ अनुदान आता है, बाकी के पैसे वो पब्लिक से लेते हैं, या फिर नॉन ग्रांटेबल मतलब गवर्नमेंट से कुछ पैसा नहीं आता है और आपसे डायरेक्टली पूरे लेते हैं, जैसे कि आपका सारडा कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज सुने सुनने में आता है, यस, जैसे आपका सारडा कॉलेज बोलो या फिर आपका न्यू आर्ट्स रेसिडेंशियल बोलो, ये आपका क्या है, न्यू आर्ट्स रेसिडेंशियल स्पेसिफिकली ये गवर्नमेंट ग्रांटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अनुदान आता है, मतलब सपोज ऐसा हो गया कि एक बच्चे की अगर सालाना फीस 6,000 रुपए है, आपके कॉलेज की सपोज 6,000 फीस है, तो गवर्नमेंट उनको 3,000 रुपए देती है और 3,000 आपसे वसूल करती है, या गवर्नमेंट उनको 4,000 रुपए देती है कॉलेज को और आपसे 2,000 रुपए वसूल करती है। तो इन शॉर्ट उस कॉलेज को कुछ है ना ये नहीं होता है, कॉलेज को कुछ ऐसा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, नुकसान नहीं होता है आपसे सब 2,000 रुपए लेने से, उनको गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, कभी कभी सब्सिडी मिलती है उनको, सब्सिडी जैसे कि गवर्नमेंट कहता है कि कॉलेज को आप बिल्डिंग बनाओ मैं आपको सब्सिडी कराता हूँ, या फिर आपको कुछ चीजें उसके अंदर सब्सिडाइज रेट पे दिला देता हूँ, आपको कंसेशन देता हूँ मैं, एंट्रेंस फीस देता हूँ, एडमिशन फीस। तो सोचो अभी आपको है ना, मैंने कल आपको कहा कि आपको अभी रेगुलर जो अभी तक आपने 11वीं 12वीं सीखा है, सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये अभी आप सब सेकेंडरी है, ये आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको हमेशा ये टॉपिक को हमेशा क्या सोच के चलना है, एक ऐसा संस्था है जो कुछ काम से बनाया गया है, कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इनकम करने का, इनकम मिलने का जरिया भी जो है वो अलग रहेगा। हमने 11th में भी इनकम में बहुत सारी चीजें देखी थी, इनकम में क्या क्या देखा था हमने, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रेंट, ब्रोकरेज, कमीशन, ये सारे रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं आएंगे, अभी आपको इनकम कमाने के जरिया कौन से होंगे, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, स्पेशल डोनेशन, जनरल डोनेशन, दान पेटी का डोनेशन, गवर्नमेंट का ग्रांट, सब्सिडी, कंसेशन, सब्सक्रिप्शन, ओके, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये सारी चीजें आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। जैसे कि और आप ये हॉस्पिटल के नजरिए से आप देखो तो हॉस्पिटल में भी आपको मिलेंगे, सपोज जो भी आपको है ना इलाज के लिए जो भी लोगों से आपने पैसे लिए हैं, अगर आपका है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हो, तो सिविल हॉस्पिटल में भी वो पूरी तरह आपको चार्ज नहीं करते, बहुत कम रेट चार्ज करते हैं आपको, ठीक है, फाइन। आगे, सच इनकम इज स्पेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न, जो भी आपसे ये पैसे लेंगे वो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाएगा, ओके। They acquire assets, make provision for future plans, create funds for general as well as specific purposes like building fund. जैसे कि आपसे वो डोनेशन मांग रहे हैं जनरल, तो अगर जनरल डोनेशन मांग रहे हैं तो वो अस्पताल के या मंदिर के रेगुलर डे टू डे रूटीन के लिए खर्चा किया जाएगा।
लेकिन अगर सपोज आपको कोई नया अस्पताल बनाना है या नया मंदिर का प्रीमाइसेस बनाना है तो वो आपसे स्पेसिफिक डोनेशन मांगेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब हमको बिल्डिंग बनानी है या फिर हमको हॉस्टल बनाना है या फिर हमको है ना श्रद्धालुओं के लिए है ना रहने के लिए एक है ना आश्रम बनाना है, तो प्लीज आप हमको इसके ऊपर डोनेशन दो। तो वो फर्म क्या करता है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये जनरल डोनेशन नहीं है, ये डोनेशन इसीलिए लिया है ताकि वो आश्रम बना सके, अस्पताल बना सके, तो उसको हम बिल्डिंग फंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? बिल्डिंग फंड। तो अलग से फंड बनाया जाता है, ठीक है, अलग से फंड बनाया जाएगा, बिल्डिंग फंड। तो इन शॉर्ट जब भी आप कोई नया फंड देखोगे, कोई नया फंड के लिए आपने डोनेशन लिया हुआ है, तो वो डोनेशन के लिए हम जो पैसा रखा वो अलग से रखेंगे, अपन जनरल डोनेशन में घुसाएंगे नहीं। हम जनरल डोनेशन तो हमारा दान पेटी, आपने दान पेटी में 1 करोड़ रुपए डाल दिए, ओके, आप ज्यादा पैसे वाले हो और आपने दान पेटी में 1 करोड़ रुपए डाल दिए, ठीक है, तो सामने वाला जो संस्था है या ट्रस्ट है वो 1 करोड़ जनरल डोनेशन कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आदमी ने या किसी डोनर ने वो पैसे डाले तो ये बोल के नहीं डाले कि 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा होना चाहिए, तो वो डे टू डे रूटीन के लिए खर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने बाहर पार्टी लगाई है कहीं पे भी आपके एनजीओ में कि हमको बिल्डिंग बनानी है और उसके लिए आप डोनेशन मांग रहे हैं, तो वो उसी के लिए बनाया जाए, वो उसी के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। तो वो शायद से आप रिसीट भी बना के दोगे कि यस ये 1 करोड़ रुपए मुझे मिले हैं अगेंस्ट द बिल्डिंग फ्रॉम एनी डोनर, डोनर का नाम, और आप उसको रिसीट बना के दे दोगे, तो वो बिल्डिंग फंड के लिए चला जाएगा, वो बिल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आगे जाके वो डोनर मे भी आपसे हिसाब किताब मांग सकता है, उसका हक नहीं है, लेकिन मांग तो सकता है डेफिनेटली कि आप उतने ट्रांसपेरेंट हो या नहीं हो, कि आपने डेफिनेटली वो पैसे सच में बिल्डिंग में डाले या नहीं डाले, या फिर कुछ सालों के वो भी तो देख लेगा, हाँ आश्रम बन गया है क्या नहीं, हाँ हॉस्पिटल बन गया है क्या नहीं बन गया है। जैसे कि आपको मालूम है 4-5 साल पहले आमिर खान आया था स्नेहालय में, आपने सुना था, मैं तो गया था, मैंने उसके साथ फोटो भी निकाला था, ठीक है, कुछ 5-6 साल पहले ना आमिर खान आया था स्नेहालय में, हाँ स्नेहालय में उसने बहुत बड़ा डोनेशन करके गया था, आपको मालूम है कुछ, आप उसने बहुत बड़ा डोनेशन करके गया था, और वहां पे है ना स्नेहालय के आश्रम में अगर आप जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्या है, उसने डोनेशन किया था, अलग से एक स्टोरेज रूम बनाना था या फिर कोई अलग से वहां पे एक खाने के लिए एक जगह बनानी थी, ठीक है, जहां पे बेचारे बच्चे जो है ना शेड के अंदर खाते थे, तो उनको कोई अच्छा प्रॉपरली एक प्रीमाइसेस नहीं था जहां पे वो बैठ सके। तो आमिर खान ने स्पेसिफिकली बोला कि आपको पेंट्री के लिए, आपको उस जगह के लिए मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ, तो उन्होंने सिर्फ उसी के, वो डोनेशन उसी के लिए यूज किया गया, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे है ना आमिर खान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्नेहालय में उसने स्पेसिफिक डोनेशंस किए थे। तो सामने वाले के नजरिए से देखो, स्नेहालय के नजरिए से देखो, तो उन्होंने वो पैसे रेगुलर रूटीन के लिए यूज नहीं किया, उन्होंने वो बिल्डिंग बनाने के लिए, वो प्रीमाइसेस बनाने के लिए यूज किया, ठीक है, तो वैसे ध्यान से रखना। नेक्स्ट, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन, ये ध्यान में रखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, लिख के लो प्लीज, प्लीज लिख के लो, देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन कैन बी यूज फॉर रूटीन पर्पसेस, लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन, there are two type of donations, general donations and specific donation. General donation are used for specific, general donations are used for routine expenses. General donations are utilized या used for routine expenses, routine and day to day expenses, routine and day to day expenses. However, specific donations, however, in case of specific donation, a separate fund is being created. Example, building fund, development fund, canteen fund, etc. And such specific donations are being utilized for specific purposes only. Are being utilized for specific
purposes only, specific purposes only, ठीक है, are being utilized for specific purposes only, ठीक है. Next, so not-for-profit organization refer to those organizations which are being formed for the purpose of promoting art, commerce, science, religion, charity or any other useful object. आपका कोई भी है, न्यू आर्ट साइंस एंड कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, न्यू आर्ट्स, क्या नाम है तुम्हारा पूरे कॉलेज का, न्यू आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज ना, बरोबर मत ना, ऐसे ही ना. तो उन्होंने कॉलेज बनाया हुआ है टू प्रमोट आर्ट, कॉमर्स, कल्चर, साइंस, रिलीजन, चैरिटी. रिलीजन मतलब कोई संस्था, साई संस्थान. रिलीजन, चैरिटी, जहाँ पे डोनेशन लोग आते हैं, देते हैं, चैरिटी देते हैं, फॉर यूज करते हैं, और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए. इंटेंट टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्ट, जो भी इनकम इसमें मिलेगा इस संस्था में, हम वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूज करेंगे. Prohibit the payment of any dividend to their members. Dividend नहीं मिलता है members को. Members को कुछ dividend नहीं मिलता है ये चीजों में, ठीक है, कुछ भी उनको return में मिलता नहीं है. Prohibit, prohibit मतलब देते नहीं है किसी को भी. Members बलि बनते हैं, members आते हैं, membership बनते हैं, trustee, in short trustee भी बोल सकते हो आप, members बोलो, trustee बोलो, इनको कुछ payment दिया नहीं जाता है, ठीक है. Next, contents of financial statements. क्या क्या content होता है आज हम देख रहे हैं. फाइनली नॉट फॉर प्रॉफिट में कौन से अकाउंट्स बने जाते हैं. पहला बनाया जाता है रिसीट एंड पेमेंट, सिमिलर टू कैश बुक होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा सिमिलर टू पीएनएल होता है. एंड बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है, जो रेगुलर में भी आपने देखी है, ये अभी भी यहाँ पे देखी है. लिख के लो ये सब, लिख के लो जो मैंने लिखा है. रिसीट एंड पेमेंट सिमिलर टू कैश बुक, जहाँ पे डेबिट सारे रिसीट होते हैं, क्रेडिट सारे पेमेंट होंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिमिलर टू पीएनएल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. एंड रिजल्ट नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं रहेगा, एंड रिजल्ट रहेगा सरप्लस या डेफिसिट. सरप्लस मतलब अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो हम सरप्लस बोलेंगे, डेबिट साइड हैवी है मतलब लॉस, तो हम लॉस नहीं बोलेंगे, हम डेफिसिट बोलेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम प्रॉफिट के हेतु से तो चल ही नहीं रहे थे ना, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. जो भी प्रकार की इनकम आई वो इनकम में दिखाएंगे, जो भी प्रकार के खर्चे हुए वो खर्चे में जाएंगे. एंड बैलेंस शीट इज सिमिलर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लिख के लो. और यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल फंड बनेगा. देखो बच्चा लोग, हमने 11वीं में कैपिटल देखा था, 12वीं में हमने स्टार्ट में पार्टनर्स कैपिटल देखा, हमने 12वीं में शेयर कैपिटल भी देखा. ये सब किसके होते हैं, ओनर के होते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई ओनर है क्या, नहीं. तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कैपिटल फंड डालेंगे हम, ठीक है. ठीक है, लिख के लिया ये.
यस आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। यस आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेसिडेंट पेमेंट? रेसिडेंट पेमेंट कुछ भी नहीं, आपका कैश अकाउंट है। इन शॉर्ट आपका कैश अकाउंट है, कैश बुक है। डेबिट ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी पैसा एनपीओ में आएगा, जो भी पैसा एनपीओ में आएगा, जो भी आमदनी एनपीओ में आएगा वो होगा डेबिट साइड में रिसीट, और जो भी पैसा जाएगा वो जाएगा क्रेडिट साइड में रिसीट एंड पेमेंट। वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल, इट्स ऑल अबाउट योर कैश अकाउंट, कैश बुक, जो आपने 11वीं में देखी थी। ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली द रेप्लीकेशन ऑफ कैश एंड बैंक बुक, एग्जैक्टली द रेप्लीकेशन, सेम टू सेम बोल सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। बस यहाँ पे जो कंटेंट है वो अलग रहेंगे। आपको यहाँ पे परचेस नहीं होगा, यहाँ पे सेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या क्या होंगे बताओ? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, डॉक्टर के खर्चे, लेबोरेटरी के खर्चे, सब सब खर्चे, सैलरी, वेजेस, जो भी तुम डॉक्टर को दोगे, या ऑनरेरियम। देखो ऑनरेरियम मतलब क्या? ऑनरेरियम मतलब आपको, आपने किसी को है ना किसी को बुलाया स्पीच देने के लिए, और आपने उनको नारियल दिया, फल दिया, आपने उनको कुछ ऑनरेरियम दिया, कुछ आपने इन शॉर्ट कुछ एक एक सम्मान के लिए कुछ पैसे दिए, सम्मान के लिए। ठीक है, तो उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई विजिटिंग डॉक्टर आता है तो उसकी वो फीस ऐसा कोई फिक्स नहीं रहती है, तो यू वॉट एवर यू गिव इट टू हिम दैट इज एन ऑनरेरियम टू यू। ऑनरेरियम का बाय चांस सैलरी भी दे सकते हैं डॉक्टर्स को, ऐसे नहीं कि नहीं दे सकते हैं। आप डॉक्टर्स को सैलरी, जो आपके पास रूटीन बैठते हैं, आपके साथ हमेशा आते रहते हैं, एवरी डे रहते हैं, 7-8 घंटे रहते हैं, तो उनको आप डॉक्टर्स को सैलरी भी दे सकते हो। फिर बाद में लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी भी एक प्रकार की एक प्रकार की एनजीओ हो सकती है, जहाँ पे लाइब्रेरी है तो वहां पे आप लाइब्रेरियन को सैलरी दे रहे हो, तो वो हो सकता है। आपने ना लोगों को ट्रिप पे लेके गया, जैसे मैंने कहा हम केयर फॉर यू वाले ट्रिप पे लेके जाते हैं, तो हमने डोनेशंस लिए आपसे सब सबसे, और फिर हम ट्रिप पे गए, तो ट्रिप का खर्चा जो है वो भी हमारा रेसिडेंट पेमेंट में आएगा, पेमेंट में आएगा स्पेसिफिकली। या हमने जब दिए बनवाए थे सबसे, तो दिए के ऊपर जो भी था, हमने हमने जो भी खर्चा किया था दिए के लिए, और जो भी हमने डोनेशन लिए थे वो हम दिखाते हैं उसके अंदर। डोनेशन मिले हमको या फिर हमको पैसे मिले उसके, और फिर हमने बेचे, या फिर उसका जो भी प्रॉफिट आया हमको, हमने फिर उसको यूज किया फॉर ट्रिप, तो वो भी दिखाएंगे हम उसके अंदर। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अलग से दिखती है। इट शोज ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, सब सालों का, पिछले साल का भी, इस साल का भी, अगले साल का भी, सारा रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। इन शॉर्ट, पैसा आया, लक्ष्मी आई रिसीट में, लक्ष्मी गई पेमेंट। ठीक है, लक्ष्मी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, कुछ भी रूप हो सकता है। ठीक है, आपको सब दिखाना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिसीट एंड पेमेंट इज सो सिंपल। मैं अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा रिसीट एंड पेमेंट का एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसा वो फॉर्मेट रहता है वो लिख के लोगे आप। ठीक है, आपको पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ और वो कर देता हूँ मैं। ठीक है, यस देखो ध्यान से, आज रिसीट एंड पेमेंट ही देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके, हम पहले रिसीट एंड पेमेंट देख रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है दिखाता हूं मैं आपको। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा बनता है, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, रुपीस रुपीस दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा मैं जूम भी करता हूं। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस और पेमेंट्स रुपीस रुपीस। ठीक है, ऐसा ही बनता है आपका सिंपल, जैसे आपने हमेशा बनाया है। ठीक है, ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हेडिंग, फॉर द ईयर एंडेड हेडिंग, और ऊपर मेरा संस्था का नाम भी आएगा, ऊपर मेरे संस्था का भी नाम आएगा, जो भी संस्था का नाम है। ठीक है, तो सपोज संस्था का नाम है एग्जाम्पल एक्स वाई जेड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्स वाई जेड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी नाम है, जो भी नाम रखना है आपको। ठीक है, ऊपर नाम आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, रुपीस रुपीस आएगा, पेमेंट्स पर्टिकुलर्स पर रुपीस। तो पर्टिकुलर्स को हम क्या कर देंगे, रिसीट्स कर देंगे अपन। ठीक है, रिसीट्स रुपीस रुपीस, पेमेंट्स रुपीस रुपीस। ठीक है, सिंपल, ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, फाइन। तो ये हम फॉर्मेट में, मैं अभी आपको एक फॉर्मेट बनाता हूँ, आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में ले लो, कोई भी,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में ले लो, कोई भी, मुझे बस ये बताओ उस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली क्या क्या उनको इनकम मिलेगा, कोई भी बताओ मुझे, चैट में बताओगे आप। सबसे पहले डोनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बताओ, कोई भी डोनेशन मिलेगा कि नहीं, यस टेल मी, यस डोनेशन मिलेगा कि नहीं, यस डोनेशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, यूडी बाबा चैरिटेबल और ट्रस्ट, कमीने कुछ भी बोलता है, चलो यूडी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, यूडी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, यूडी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके फाइन। हाँ बाबा, मेरे मरने के बाद बना लेना तुम कमीनो, हाँ यूडी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, ओके। तो टू डोनेशन मिलेगा कि नहीं, तो जो भी पैसे मिलेंगे आपको रिसीट में लेना है, टू डोनेशन, सपोज 5 लाख। पहले पहले रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे पहले कैश बैंक रहेगा ना कुछ ना कुछ, पहले का पैसा रहेगा कि नहीं कुछ, पहले का कुछ पैसा रहेगा ना, पहले का ओपनिंग बैलेंस होगा ना यार, ओपनिंग बैलेंस कराने दो ना यार प्लीज, रुको 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 रुको, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1/4/2018 को, 1/4/2018 को मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, मेरे पास मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में, चैरिटेबल ट्रस्ट में 40,000 का सपोज कैश पड़ा है, और बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है सपोज 20,000 रुपए, ठीक है, इतना मेरे पास पहले ही पैसा पड़ा हुआ है इस ट्रस्ट में, इतना पैसा पहले ही ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, नया नया ट्रस्ट नहीं बनाया, ये 2-3 साल से है मेरा ट्रस्ट, ठीक है। तो 40 + 6 = 20,000 कितना हो जाता है, 60,000, ये आपको बस पहला दिखाना पड़ेगा ओपनिंग में, ठीक है, ये ओपनिंग में दिखाना पड़ेगा, क्लियर, ये ओपनिंग में दिखाना पड़ेगा, फाइन, ये हमारा हो गया। अब बताओ क्या क्या प्रकार के इनकम आमदनी प्राप्त होगी इस ट्रस्ट को, डोनेशन मिलेंगे, चलो डोनेशन, जनरल डोनेशन, क्या स्पेसिफिक डोनेशन, दोनों मिल सकते हैं सर, जनरल भी मिल सकता है, स्पेसिफिक भी मिल सकता है, रुको मैं देख रहा हूँ चैट में, देख रहा हूँ आपके, आप लिखते जाओ, चलो लिखते जाओ क्या क्या आपको, आप कोई भी ट्रस्ट आपके दिमाग में ले लो, कोई भी ट्रस्ट आपके दिमाग में ले लो, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर बिल्डिंग, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर बिल्डिंग, ठीक है, जनरल डोनेशन सपोज मिले हैं मुझे 4 लाख रुपए, ओके, और बिल्डिंग के लिए मिले हैं सपोज मुझे 6 लाख रुपए, ठीक है, तो ये मुझे मिले हैं, मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट, और बताओ, चलो डोनेशन हो गया, और क्या क्या आएगा बताओ, टेल मी, अलग अलग नाम बोलो, अलग अलग नाम बोलो, सर आपके नाम पे बनाएंगे, हाँ बाबा बना लेना, ठीक है, पैसे हमारे नाम पे करके जाओ, ठीक है बेटा, तेरे नाम पे पैसे करके जाऊंगा, बट मैं अब मेरे नाम पे तो बोलो, रिपेयर्स के लिए पैसे कहाँ मिलेंगे बेटा, हाँ सब्सक्रिप्शन इज राइट थिंग, सब्सक्रिप्शन मैंने बोला ना, अभी अलग अलग नाम बताओ यार, नाम, सेल परचेज मत बताओ, जैसे हमने इंटरेस्ट, डिविडेंड, ब्रोकरेज, ऐसे सारे नाम देखे थे, तो आप कोई भी संस्था को दिमाग में ले लो और उसके नाम पे बोलो क्या क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, चलो ओके। नगर क्लब वाले क्या लेते हैं बताओ ना यार, नगर क्लब वाले क्या लेते हैं आपसे, उनके लिए आमदनी क्या होती है बताओ, नगर क्लब वाले क्या लेते हैं, अरे बोलो ना यार, नगर क्लब वाले क्या लेते हैं बताओ, क्या लेते हैं नगर क्लब वाले, कम ऑन टेल मी, मेंबरशिप फीस, स्कूल वाले क्या लेते हैं आपसे बताओ, स्कूल वाले क्या लेते हैं आपसे, डोनेशन तो लेते ही है, उसके अलावा क्या लेते हैं स्कूल वाले, स्कूल वाले आपसे क्या लेते हैं बताओ ना यार, एक एक करके, क्यों आपको छोटी छोटी स्पून फीडिंग करनी पड़ रही है यार, मेंबरशिप फीस, ठीक है, मेंबरशिप फीस भी आ सकती है, आगे बताओ और बताओ, चलो कम ऑन टेल मी, टेल मी, हाँ स्कूल फीस के अलावा, स्कूल फीस आती है कि नहीं आती है, स्कूल की फीस आएगी ना क्या, नहीं, स्कूल फीस, एडमिशन फीस, ऐसे नाम पे आपको चोचले डालते हैं ना, एडमिशन फीस, स्कूल फीस, हाँ फिर आगे क्या बोलते हैं, आईटी की फीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फीस मांगते हैं क्या, नहीं मांगते हैं आपसे, हाँ कम ऑन टेल मी, एडमिशन फीस, और बताओ कम ऑन टेल मी, और कौन से खर्चे आते हैं, खर्चे नहीं, रिसीट, रिसीट आते हैं, रिसीट, अलग अलग प्रकार के इनकम बताओ जो है ना एक एनजीओ को हो सकता है, जो एक है ना एनपीओ को हो सकता है, कम ऑन टेल मी, मैं और चैट देख रहा हूँ, ट्यूशन फीस, हाँ बेटा राइट बेटा, गवर्नमेंट ग्राइंड, हाँ बाबा बरोबर, हाँ ट्यूशन वाले भी लेट फीस, यस यस, ट्यूशन फीस भी होता है, यस एवरीवन, ट्यूशन फीस भी होता है अलग से, ट्यूशन फीस भी होता है, एब्सोल्युटली राइट, सपोज ट्यूशन फीस है यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, यस गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलता है किसी ना किसी संस्था को, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट सपोज 20,000-30,000, नेक्स्ट और बताओ क्या क्या आता है बताओ, ट्रांसपोर्ट फीस, सन्ड्री इनकम भी हो सकता है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो खर्चा होगा ना बेटा, मेंटेनेंस तो खर्चा होगा ना, मेंटेनेंस तो खर्चा होगा, मेंटेनेंस के लिए आपने खर्चा यूज किया, लेकिन कहां से यूज करोगे आप, डोनेशन में से यूज करोगे ना, आप क्या बोलते हो मुझे मेंटेनेंस के पैसे दे दो, मेंटेनेंस के पैसे दे दो ऐसा, चलो ठीक है, टू अपकीप एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, चलो ठीक है, टू अपकीप, अपकीप एंड मेंटेनेंस रिसीट्स, टू अपकीप एंड मेंटेनेंस रिसीट्स,
मतलब मैं को इस संस्था को अपकीप करने के लिए, प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए मैंने आपसे पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेक सेंस, आगे बताओ, चलो आगे बताओ, और क्या होगा, कम ऑन टेल मी, और बताओ, गुडविल, रेंट, हाँ, अगर मैंने अगर कोई जगह बाई चांस अपने अपने संस्था की जगह भाड़े पे दी है, मतलब मैंने बहुत बड़ा संस्था बनाया, वहां पे कैंटीन वाले को मैंने वो जगह भाड़े पे दी है, तो वो मुझे भाड़ा मिल सकता है, मेक सेंस, रेंट भी हो सकता है, एवरीवन, रेंट हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, रेंट भी हो सकता है, टू रेंट, चलो, रेंट रिसीव्ड ऑन सम प्रीमाइसेस व्हिच हैव बीन गिवन, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, आगे बताओ, यस एवरीवन, और बताओ क्या हो सकता है, अरे यार कैंटीन के रिसीट्स, हाँ, मिसलेनियस रिसीट्स, सन्ड्री इनकम भी हो सकता है, मिसलेनियस इनकम भी हो सकता है, मिसलेनियस रिसीट्स भी हो सकता है, मेक सेंस, एब्सोल्युटली मेक सेंस, मैं यहाँ पे टू मिसलेनियस रिसीट्स भी डाल देता हूँ, हाँ, मिसलेनियस रिसीट्स, टू रिसीट्स फ्रॉम कैंटीन से भी मुझे रिसीट मिल सकती है, साई संस्थान को आपने अगर दिमाग में ले लिया तो जो जो रिसीट आपको कैंटीन के मिलते हैं तो कैंटीन रिसीट्स भी हो सकता है आपके पास, चाय पानी का जो भी आपने चार्ज किया था, सब्सिडाइज रेट पे चार्ज किया था, वो आपको पैसे मिले, यस, और बताओ एवरीवन, और बताओ, कमॉन, बस इतना ही, कोई दूसरे संस्था आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, अरे एंट्रेंस फीस भूल गए क्या, अगर आपको कोई मेरा मेंबर बनना है तो आपको पहले एंट्री के कुछ फीस देने पड़ेंगे, एंट्रेंस फीस भरना पड़ेगा आपको, एंट्रेंस फीस होता है 40,000, हॉस्पिटल में जब आप जाते हो ना, अगर सपोज आपको किसी का रूटीन चेकअप चालू करना है, ठीक है, तो आपसे मालूम है क्या, पहले पहली बार जब आप फर्स्ट टाइम कंसल्ट करने जाते हो, सुनो एवरीवन, फर्स्ट टाइम जब आपसे कंसल्ट करने जाते हो आप उनके पास, हाँ, तो आपका फर्स्ट टाइम का चार्ज ज्यादा रहता है और अगली टाइम से चार्ज कम रहता है, देखा है कि नहीं देखा है बच्चा लोग, आप कोई भी डॉक्टर में अगर फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन जाते हो तो पहले आपसे 500 रुपए लेते हैं, फिर अगली बार से आपसे ना 300 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, देखा है कि नहीं देखा है बच्चा लोग, हाँ या नहीं तो बोलो ना यार, देखा है कि नहीं, हाँ देखा है ना, तो वो आपसे इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन फीस या एंट्रेंस फीस मांगते हैं पहले, तो वो जो 500 में से 200 रुपए रहता है वो आपकी एंट्रेंस फीस में चली जाती है या फिर रजिस्ट्रेशन फीस में चली जाती है, बाकी के जो 300 रुपए रहते हैं वो तो रेगुलर कंसल्टेशन रहता है, ठीक है, तो वैसा समझा आपको, यस, होता है, आपने देखा है ना, एक अलग से फाइल भी बना के देते हैं आपको, हाँ या नहीं बताओ एवरीवन, सिस्टम में आपका पूरा डेटा भी डालते हैं, हाँ या नहीं बताओ ना यार, अरे हाँ या नहीं बोलो ना, यस, लॉजिंग का भी रिसीट हो सकता है, यस, मैंने आश्रम बनाया है, आश्रम में लोग आते हैं रहते हैं, तो मैं उसको है ना वहां पे है ना लोग लॉजिंग के फीस कितने देते हैं मुझे, लॉजिंग के रिसीट्स भी हो सकते हैं, यस, लॉजिंग के रिसीट्स भी हो सकते हैं, और बताओ कम ऑन टेल मी व्हाट एल्स यू हैव, कम ऑन, और क्या चैरिटेबल, यूडी बाबा के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इतना ही रहेगा, और क्या रहेगा बताओ एवरीवन, चलो बताओ और क्या रहेगा, कोई भी और संस्था जो आपके दिमाग में आता है, कोई और संस्था, कम ऑन टेल मी, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, रिलीजियस ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्रकार का, कम ऑन टेल मी, लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरी दिमाग लगा के कोई रिसीट बता, मैं अभी तक खर्चे पे नहीं आया हूँ, रिसीट बता ना, क्या मिलेगा रिसीट, लाइब्रेरी में रिसीट क्या होगा बता ना बेटा, हाँ रिसीट, और क्या, रेंट ऑफ हॉल और रूम, ठीक है, रेंट में डाल दिया मैंने, स्पॉन्सरशिप तो मैं दूंगा ना, मुझे मिलेगा थोड़ी, फ्री क्लोथ, हाँ, इन शॉर्ट डोनेशन इन काइंड, क्या मैं बोल सकता हूँ डोनेशन इन काइंड, जो भी आपको डोनेशन इन काइंड आया हुआ है वो भी, अगर डोनेशन इन काइंड अगर आया है तो बताओ मुझे एवरीवन, बच्चा लोग, प्रॉब्लम ये है, डोनेशन इन काइंड अगर आया तो मुझे ये बताओ आप क्या उसको अमाउंट लिख पाओगे, कम ऑन टेल मी, अरे सच्ची बताओ, क्या अमाउंट लिख पाओगे आप, नहीं लिख पाओगे बच्चा लोग, डोनेशन इन काइंड में आप अमाउंट नहीं लिख पाओगे, हाँ, अगर उन्होंने कहा, अगर आप भी देखो साई संस्थान में आपको मालूम है, सभी संस्थान में आपको मालूम है, वहां पे लोग पैसों के अलावा, बताओ ना यार, कोई कोई लोग क्या दान करके जाते हैं वहां पे बताओ, सबको मालूम है, बहुत सारे लोग क्या दान करके जाते हैं वहां पे, यस एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट, गोल्ड दान करके जाते हैं वहां पे, तो गोल्ड भी डोनेशन इन काइंड होगा, तो अभी वो संस्था वाले के पास आज इतना सारा गोल्ड पड़ा है, सबको मालूम है कि ऐसे ऐसे संस्था है जहाँ पे इतना सारा गोल्ड पड़ा है, टन्स ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उनको भी डोनेशन इन काइंड मिला हुआ है वो, तो अभी वो संस्था वाले क्या करेंगे, जिस दिन वो गोल्ड आया हुआ है वो गोल्ड के रेट के साथ वो मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, गोल्ड का आपको रेट मिल जाएगा, क्योंकि वो चीज हैवी भी होती है,
गोल्ड का रेट मिल जाएगा, वो चीज हैवी भी होती है, लेकिन सपोज किसी ने अनाज देके गए हैं या चावल देके गए हैं, अब चावल कौन से कैटेगरी का है मालूम नहीं, कोलम चावल है क्या आपका, बासमती है या फिर आपका है ना नासिक गोटी है या फिर है ना, या फिर मैं हम कौन सा खाते रहे मस्त रहते, वो उसको नाम ही भूल गया मैं, अरे यार चावल वाले बोलो ना यार, तुम सारे चावल वाले हो ना यार, ए दुकान वाले यार बोलो, हाँ एक मस्त आता है रे चावल, छोटे छोटे रहते हैं बहुत, मैं नाम ही भूल गया, मैं नाम ही भूल गया, मस्त रहते हैं रे, बहुत खुशबू वाले रहते हैं, ए कोई बालाजी मंदिर, अरे बालाजी मंदिर ना, हाँ पर सबको मालूम है। तो अलग अलग चावल की कैटेगरी, आपको मालूम नहीं कि कौन आपको चावल दान करके गया है, उसका भी रेट क्या है क्या नहीं, तो अगर आप कोई रेट को असर्टेन नहीं कर सकते हो तो मत करो। हाँ लेकिन अगर गोल्ड है, एक्सपेंसिव चीज है, तो आप उसको रेट, गोल्ड का रेट तो आपको एवरीडे मिलता ही रहता है, तो आप उस गोल्ड के रेट के साथ मल्टीप्लाई करके डाल सकते हो, ठीक है। हाँ ओके, तो ये सारी चीजें हो सकती है, डोनेशन इन काइंड एंड इफ सपोज इफ रेट इज अवेलेबल मल्टीप्लाई इट, ठीक है, असर्टेन इट, असर्टेन करके डाल दो, असर्टेन करके डाल दो, ठीक है फाइन, असर्टेन करके डाल दो फाइन। गोल्ड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई कोई दुबई का गोल्ड रहता है तो दुबई में ही बेचा जाता है, बाकी और कहीं बेचा भी नहीं जाता है, मालूम है आपको। हाँ ओके, तो अलग अलग प्रकार के गोल्ड रहते हैं, तो जो सोनार लोग रहते हैं उनको अच्छे से मालूम पड़ता है कि कौन से गोल्ड है क्या नहीं। हाँ हमारा सोनार है ना यहाँ पे, कौन है सोनार इधर, कौन है हमारा सोनार, सोनार एकदम उनको तिरछी नजर रहती है एकदम, ठीक है। हाँ यस सोनार है ना अपने, बहुत सारे सोनार है यहाँ पे। हाँ नकुल, नकुल को मालूम है क्या है, हाँ ना, ए ए नकुल मालूम है क्या तेरे को, ए नकुल दुबई का गोल्ड दुबई में बेचा जाता है मालूम है क्या, न, इंडिया में नहीं बेचा जाता है मालूम है क्या तेरे को, ओए ओए नकुल, हाँ इतना प्राइस नहीं मिलता है। हाँ लोलगे भी है, लोलगे आला नहीं है, मी लोलगे लस बगुद होता, हाँ नकुल वर्मा को मालूम है। चलो अब ये सारे खर्चे, ये सारे इनकम आपने देख लिए, तो वैसे ही प्रकार के संस्था के खर्चे भी होते हैं, तो संस्था के कौन से खर्चे होंगे, चलो कोई भी संस्था के क्या क्या खर्चे होंगे बताओ, स्पेसिफिक डोनेशंस अगर आया तो उन्होंने बिल्डिंग भी बनाया होगा, वो बिल्डिंग उनका खर्चा हो सकता है, उन्होंने कोई फर्नीचर बनाया उसके अंदर वो खर्चा हो सकता है, उन्होंने अगर कोई कैंटीन के लिए ना डेवलपमेंट किया हुआ है, कैंटीन के यूटेंसिल्स जो है वो होंगे वहां पे, ठीक है। और बताओ हाँ लड्डू वड्डू बनाने के लिए कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है। और बताओ क्या हो सकते हैं, डॉक्टर के फीस हो सकती है, केस डॉक्टर के फीस, डॉक्टर के सैलरी, डॉक्टर की फीस, डॉक्टर की नहीं बर्बाद में हमारे टीचर लोगों की फीस, स्कूल में टीचर लोगों को पगार जाती क्या नहीं, टीचर की सैलरी, और बताओ कम ऑन टेल मी, और बताओ सारे खर्चे बताओ, वेजेस भी हो सकते हैं, वेजेस नहीं हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, सॉरी वेजेस नहीं हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, और बताओ क्या हो सकता है, मैंने अभी अभी एक वर्ड बताया अभी आपको, अभी अभी एक एक वर्ड बताया आपको जो पॉकेट में देते हैं, ऑनरेरियम, क्या बोला है ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब इन शॉर्ट उनको कुछ सम्मान से कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है सम्मान से। सर्वेंट के फीस, यस एब्सोल्युटली, इंश्योरेंस भी हो सकता है, यस। लाइट बिल तो हर जगह पे होता है, यस एवरीवन यू आर राइट, लाइट के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, बाय लाइट बिल, और टेलीफोन बिल भी हो सकता है, बाय चांस उनके पास टेलीफोन हो, टेलीफोन बिल हो सकता है, और फिर बाद में पुजारी का चार्जेस, पुजारी फीस या पुजारी का जो भी सैलरी होगा, पुजारी का सैलरी, और क्या होगा बताओ, कम ऑन टेल मी, और बताओ स्कूल में और क्या क्या खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या खर्चे होते हैं, सोचो ये कोई भी रिपेयर्स, यस एब्सोल्युटली रिपेयर्स भी हो सकता है, रिपेयर्स, और बताओ अभी आप अगर सपोज क्लब है, क्लब क्लब क्या करता होगा बोलो, स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदता होगा क्या नहीं खरीदता होगा बोलो, डंबल्स वंबल्स खरीदते होंगे क्या नहीं खरीदते होंगे बताओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदते होंगे वो, डंबल्स वंबल्स खरीदते होंगे, जिम्नेशियम के एक्सपेंसेस होंगे, और बताओ क्लब वाले और क्या होंगे, क्लब में और क्या क्या होता होगा, सोचो, आपका बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, ग्राउंड का मेंटेनेंस होगा क्या नहीं होगा बताओ, ग्राउंड का मेंटेनेंस होगा क्या नहीं होगा, कम ऑन टेल मी, बाय ग्राउंड ग्राउंड मेंटेनेंस, बाय ग्राउंड मेंटेनेंस होगा, और बताओ और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, यस एवरीवन आई एम वेटिंग फॉर इट, मुझे लगा आप एकदम फटाक से जवाब दे सकते हो, बिस्किट वेजिटेबल, हाँ मैंने डाल दिया यहाँ पे बेटा ऊपर, कैंटीन के खर्चे सारे, बिस्किट वेजिटेबल सब और डाल दिया वहां पे मैंने, कैंटीन के एक्सपेंसेस, चाय पत्ती सब आ गए उसके अंदर, फंक्शन एक्सपेंस, एब्सोल्युटली राइट, वहां पे फंक्शन होते रहते हैं, होते क्या नहीं, फंक्शन मतलब कौन से स्कूल में एनुअल फंक्शन होता होगा उसके खर्चे, आपका वहां पे बड़े बड़े सॉरी मंदिरों में क्या होंगे, सत्संग होंगे, सत्संग के एक्सपेंसेस, वो भी फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि इस्कॉन वाला जो है हर साल में ना एक बार है ना वो क्या बोलते हैं
जन्माष्टमी मनाते हैं तो जन्माष्टमी के भी खर्चे होते हैं, हाँ ना, होते हैं क्या, नहीं होते, फंक्शन के सारे एक्सपेंसेस होंगे। और बताओ, कम ऑन टेल मी, और बताओ क्या क्या खर्चे आपको पता है, आपको और कौन से खर्चे मालूम है, कम ऑन टेल मी। ट्रिप के खर्चे, हाँ बेटा मैंने अभी कहा था हम ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप के एक्सपेंसेस, बाय ट्रिप एक्सपेंसेस, यस एब्सोल्युटली, और बताओ बाय ट्रिप एक्सपेंसेस, और बताओ, यस। अब अभी वृद्धाश्रम के लोगों के हिसाब से सोचो, वृद्धाश्रम के लोगों के हिसाब से सोचो, बताओ और क्या क्या होगा, बताओ। अरे आप मेन चीज भूल रहे हो, वृद्धाश्रम में सबसे बड़ा खर्चा होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है वृद्धाश्रम में, सबसे बड़ा खर्चा होता है, नहीं बेटा, यस एब्सोल्युटली राइट, मेडिकल एक्सपेंसेस। बच्चा लोग, वो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा तो मेडिकल के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, कम ऑन टेल मी, कम ऑन, बस इतना ही आपको याद है। इनकम टैक्स, यस इनकम टैक्स, नहीं इनकम टैक्स नहीं सिद्धि गांधी, इनकम टैक्स नहीं, ठीक है, नॉर्मली इनकम टैक्स नहीं। हाँ फर्नीचर हो सकता है, स्विमिंग पूल एक्सपेंसेस, यस एब्सोल्युटली राइट, किसी ने स्विमिंग पूल बोला, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बोला, किसी ने ना ये बोला, बहुत जनों ने बोला, यस यस। म्युनिसिपल टैक्सेस हो सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस आई एक्सेप्टेड, इनकम टैक्स नहीं बेटा, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस आई कैन एक्सेप्टेड, म्युनिसिपल के टैक्सेस होंगे, नल पट्टी, कंपल्सरी पानी पट्टी, घर पट्टी, वो जो रहते हैं ये भी सारे होंगे, यस। और बताओ और बताओ, यस एवरीवन, यस न्यूज़पेपर, यस कोई कोई लोग न्यूज़पेपर, स्टेशनरी का खर्चा होगा, यस न्यूज़पेपर स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस होंगे, बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी, छोटे मोटे प्रिंटिंग स्टेशनरी तो लगते ही रहते हैं। कंप्यूटर भी खरीदेंगे क्या, नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई कंप्यूटर भी खरीदेगा, ओके, उनके डेटा मेंटेन करने के लिए, रजिस्टर्स मेंटेन करने के लिए। और बताओ और बताओ और बताओ, यस एवरीवन, बस इतना ही। फर्नीचर होगा, यस किसी ने फर्नीचर भी बोला है, ट्रैवलिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, समझ गया समझ गया। तो बहुत सारे खर्चे, इन शॉर्ट काफी खर्चे जो आपने 11वीं 12वीं में सीख रहे हो वो खर्चे तो होंगे ही, बट प्रॉब्लम क्या हो गया है, एनपीओ में ना रिसीट साइड थोड़ा अलग है, रिसीट साइड बहुत अलग है, एक्सपेंसिव साइड ऑलमोस्ट सेम है, एक्सपेंसिव साइड ऑलमोस्ट सेम है। इन शॉर्ट, अगर आप कोई कैपिटल एसेट भी खरीद रहे हो तो भी आपके पेमेंट साइड में जाएगा, अगर आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर रहे हो तो भी आपका क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो ये सारे खर्चे होंगे, ठीक है, तो ये सारे खर्चे कुछ भी अमाउंट के हो सकते हैं, बिल्डिंग सपोज 2 लाख के हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग 2 लाख के ऊपर खर्चा किया है मैंने सपोज, फर्नीचर 1 लाख रुपए खर्चा किया है, यूटेंसिल्स के ऊपर 30,000 का खर्चा किया, कैंटीन 10-20,000 का खर्चा किया, डॉक्टर फीस 10,000, सैलरी 4 लाख का सैलरी, टीचर सैलरी, यहाँ पे अलग से प्यून का सैलरी सपोज, प्यून का सैलरी, ऑनरेरियम वापस 10,000, लाइट बिल सपोज 30,000, टेलीफोन बिल सपोज 20,000, पुजारी का खर्चा 10,000, एक्सेट्रा खर्चे होंगे 4,000, तो 20,000, 10,000, ओके 20,000, फाइन ये 10,000, फाइन ऐसे ऐसे खर्चे होंगे, यस एवरीवन। मैं आपको ये ऐसे क्यों करा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको क्या करा रहा हूँ, ये क्यों करा रहा हूँ मैं आपको, सपोज ये ऐसा खर्चा हो गया। अब फाइनली बताओ, बैलेंस कैरी डाउन आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका क्या है, कैश अकाउंट है, तो बताओ बैलेंस कैरी डाउन आएगा कि नहीं आएगा, कम ऑन टेल मी, यस और नो, बैलेंस कैरी डाउन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर बैलेंस कैरी डाउन आएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फाइनली बैलेंस कैरी डाउन लिख के इसको क्लोज करूंगा, रिसीट एंड पेमेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं यहाँ पे टोटल करूंगा, ये मेरा कैश अकाउंट था ना, ये मेरा कैश अकाउंट था ना, ये मेरा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरा डेबिट है 19,70,000 और मेरा क्रेडिट है अभी 10,20,000। देखो रुको, एक मिनट रुको, मैं थोड़े और कम बढ़ा देता हूँ खर्चे, एक खर्चे और बढ़ा देता हूँ, बहुत ज्यादा कम खर्चे हो गए, ठीक है, ओके बढ़ाने दो मुझे खर्चे और, खर्चे बढ़ाने दो, होल्ड ऑन, मेरे को थोड़े खर्चे बढ़ाने दो, ओके फाइन दैट्स इट। तो मेरे खर्चे हो गए हैं 19,70,000 में से 16,07,000 के खर्चे हो गए, बचा मेरे पास 3,63,000। तो मैं यहाँ पे फाइनली बता दूंगा, मेरे पास ये 3,63,000 कैसे कहाँ पड़े हैं, ये बैलेंस कैरी डाउन कैश अकाउंट में पड़े हैं मेरे पास 63,000 एग्जाम्पल, ओके, और मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं मेरे पास, मेरे बैंक बैलेंस में पड़े हुए हैं सपोज 3 लाख रुपए, ठीक है, ऐसे दिखा के मैं इसको क्लोज करूंगा, ऐसे दिखा के मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ये मेरा होता है रिसीट एंड पेमेंट, सो सिंपल, ये होता है मेरा रिसीट एंड पेमेंट, सो सिंपल। समझा रिसीट एंड पेमेंट कैसा होता है, समझा रिसीट एंड पेमेंट कैसा होता है, हाँ या नहीं, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट। नाउ आपको ये लिखना है पूरा रिसीट एंड पेमेंट, प्लीज आपको ये लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ये ऐसे ये डेमो या फिर एक फॉर्मेट रिसीट एंड पेमेंट का मैंने आपको बना के दिया है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें रिसीट एंड पेमेंट में नॉर्मली क्या इनकम होती है, क्या खर्चे होते हैं। लिख के लो, लिख के लो, बस मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना लिख के लो, लिख के लो,
ये सारे खर्चे इनकम इस तरीके से होते हैं। खर्चे तो ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खर्चे तो सबको मालूम ही है, वही होते हैं जो आपने 11वीं 12वीं में देखा है। बट यहाँ पे रिसीट का थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है, क्योंकि आप एक एनपीओ या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके काम कर रहे हो आप, ठीक है, ओके। तो ये है, चलो लिख के लो फटाफट। दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, दिखा रहा हूँ, लिख के लो एवरीवन। यू आर नॉट लीविंग द मीटिंग अनटिलनेस यू आर राइटिंग इट, ठीक है। यू आर नॉट लीविंग द मीटिंग, यू हैव टू राइट दिस, यू ऑल हैव टू राइट दिस, टेक दिस डाउन, कम ऑन, लिख के लो। जूम कर सकते हो आपको जो जूम करना है, मैं छोटा सा कर देता हूँ आपको एक स्क्रीन पे दिखे। हाँ, आप जूम करो जिसको जूम करना। अमाउंट आपके हिसाब से डालो, नो प्रॉब्लम, अमाउंट आपके हिसाब से डालो जो आपको अमाउंट डालनी है, बट आपको ये लिखना अनिवार्य है, ये भी लिखना अनिवार्य है, तब आपको दिमाग में बैठेगा कि क्या क्या प्रकार के खर्चे होते हैं, क्या क्या प्रकार के इनकम हो सकते हैं। ठीक है सानिका, यू कैन लीव, बट सानिका मैं कल से 8:30 से 9:30 ले रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो लिख के लो फटाफट। चलो तो फोटो ले लो, आप लिख के लो, प्लीज लिख के लो, आई एम लीविंग अ लेक्चर नाउ, ठीक है, ओके बाय। फोटो मैं ही भेज देता हूँ, चलो छोड़ो, बट लिख के लेना है प्लीज, पूरी मेहनत मेरी बेकार चली जाएगा, लिख के लेना है। मैं कल रैंडमली किसी को भी बोलूंगा टू शेयर दैट, कल रैंडमली किसी को भी बोलूंगा टू शेयर दैट, एंड उन्होंने अगर नहीं लिखा होगा ना तो इंश्योर करो कि आप, मैं कभी आपका थोबड़ा भी नहीं देखने वाला हूँ, सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है आपका थोबड़ा देखने के लिए। मेकिंग इट वेरी क्लियर।